गाजियाबाद के साहिबाबाद में 13 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत के बाद लोगों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस की रहने वाली महिला ने कद बढ़ाने की दवा खिलाई थी, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन आनन फानन में अमुक को दिल्ली के GTB अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने अमुक को मृत घोषित कर दिया। तो वही डॉक्टरों का कहना है कि दवा के रिएक्शन के कारण अमुक की मौत हुई है। वही बच्चे की मौत से नाराज लोगों ने आरोपी महिला की गिरफ्तारी की मांग की है। तुलसी निकेतन थाने में जमकर हंगामा हुआ। तो वही पुलिस परिजनों की तहरीर पर आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेरी जो तनकी वो जो वाइफ है, वाइफ उसको लेके गई जीटी में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद जो वहाँ भी FIR लिखी गई, और जो जिस वक्त काका में लड़के की सांसें जब चल रही थी, तो उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे को गोली किसने दी है, तो कह लगे वो देवेंद्र की मम्मी ने मुझे हाइट बढ़ाने की गोली दी है, और उसके बाद हेरा मेरी काका में तबीयत खराब हो गई, उसके बाद मेरे पेट में दर्द मार रहा, अब मैं बचूंगा नहीं। थाना साहिबाद में ये आज सुबह की घटना है कि बच्चा है, उसने कोई दवाई खाने से उसे रिएक्शन किया, तो उसे GTI अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी बाद मृत्यु हो गई है। परिवारजनों का आरोप है कि पड़ोसी महिला ने भी दवाई उसे ये कह के दी थी कि वो हाइट बढ़ने की दवाई है, तो जिस कारण से सारी ये घटना घटित हुई। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।